अब आता है हमारे को, कई बार बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, डिप्रेशन क्या है? ऐसा है क्या डिप्रेशन में जिससे ये सब हो जाता है? ठीक है, अगर इसको सिंपल भाषा में आप समझने की कोशिश करेंगे, डिप्रेशन इज ए मूड स्विंग डिसऑर्डर, हाई मूड स्विंग। जितना ज्यादा मूड स्विंग होता जाएगा, मूड स्विंग फर्स्ट स्टेज होती है, उसके बाद वो बढ़ता चला जाता है, L1, L2, L3, L4। अब मूड स्विंग डिसऑर्डर क्या है, इसको भी मैं बड़े सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि सबको समझ आ जाए और इसका बेनिफिट हर एक आदमी उठा पाए। सबसे आसान तरीका, आप खाना खा रहे हैं, आप मान लो 3 रोटी खाते हैं, ठीक है, फोर्थ कितनी भी अच्छी सब्जी बनी होगी, हो सकता है आप 4 ले लें, लेकिन 5 भी नहीं लेंगे। आपको मालूम है आपकी बॉडी बिल्कुल मना कर रही है, डिप्रेशन में आप रोक नहीं पाएंगे। हो सकता है जब आपको बहुत अच्छा खाना लग रहा हो, आप 4 के बजाय 6 खा जाए। दूसरा, नॉर्मल पर्सन खाना खाएगा जो भी उसका फिक्स टाइम है। डिप्रेसिव आदमी बहुत बार ऐसा भी करता है कि वो खाना स्किप करने लगेगा, ठीक है। हम जब सोते हैं तो हमें बहुत साउंड स्लीप आनी चाहिए, क्योंकि हम टायर्ड होके सोते हैं, उसको या तो नींद आएगी नहीं, या इतनी नींद आएगी कि वो 16-16 घंटे सोता रहेगा। जंक फूड में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, क्यों? क्योंकि वहां पब्लिक होती है। आप कह सकते हैं नहीं नहीं उसका तो टेस्ट ही ऐसा जंक फूड, नहीं, गलत। साइकोलॉजिकली ऐसा नहीं, टेस्ट क्यों डेवलप हुआ हम उस पर काम करते हैं, टेस्ट है उस पर काम ही नहीं करते। टेस्ट क्यों डेवलप हुआ, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहां बहुत सारे लोग होते हैं, अट्रैक्शन, उन लोगों में जाना चाहता है, और उन लोगों में जाके थोड़ा हैप्पीनेस फील करता है, और जैसे जैसे वो हैप्पीनेस फील करता है उसको अच्छा लगता है, तो वहां खाते रहता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, बॉडी में पेन हो जाता है, राइट। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर्वाइकल हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा, चेस्ट में हैवी पेन होगा, मेरे एक दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, ये सारी चीजें डिप्रेसिव। अब डिप्रेशन क्या करता है, खाना जैसे मैंने बताया वो रुकेगा ही नहीं, या खाना खाएगा ही नहीं। कौन आदमी है जो रोता नहीं, आप चेक करिए, लोग कितना भी बोलें कभी ना कभी जिंदगी में उन्होंने क्राई किया होगा, लेकिन डिप्रेशन वाला आदमी रुकेगा ही, रोकना ही मुश्किल हो जाएगा। एक दिन में कई कई बार डिप्रेशन वाला आदमी क्राई करेगा। तो डिप्रेशन क्या है, कैटलिस्ट है, बेसिकली कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मींस वो ऐसे काम करता है कि चीजों को बढ़ा देता है। सुसाइडल थॉट है, बहुत ज्यादा सुसाइडल थॉट होंगे और फिर कहीं ना कहीं नेट रिजल्ट तक ले जाएगा, जो मैंने अभी आपको सुशांत का एग्जांपल दिया, सुशांत राजपूत का। तो ये सारी चीजें वो ज्यादा कर देता है, इसी को डिप्रेशन बोलते हैं, सिंपल। और ये लेडीज में डबल है, अगेन मैंने पहले आपको बता दिया कि डबल क्यों है, ठीक है। नाउ वी गो, इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं डिप्रेशन के, कुछ सिम्टम होने चाहिए, और वो सिम्टम्स क्या क्या होंगे, कैसे होंगे, उसको हमें समझने की जरूरत है। तो एक बार हम सिम्टम देखते हैं, तो अब हम बात करेंगे डिप्रेशन सिम्टम्स की, वन बाय वन उनको समझेंगे कि क्या होते हैं और कैसे उनको हम गेज कर सकते हैं कि ये डिप्रेशन में है या नहीं है। सो वन बाय वन लेते हैं इनको। फर्स्ट, सैड एंड एंग्शियस रहेगा, बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाएगा, ऐसी हरकतें करेगा, हर फियरिस्टिक मोमेंट में आएगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट,
जो भी खुशी की चीजें हैं उनमें इंटरेस्ट खत्म कर लेगा, मजा ही नहीं आएगा उसे, रेस्टलेस फील करेगा, इरिटेबिलिटी आएगी, एक्सेसिव क्राइंग करेगा। अगर ऐसा कोई भी आदमी कर रहा है तो डिप्रेशन है। फीलिंग ऑफ गिल्ट, बहुत सारे गिल्ट क्रिएट कर देगा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा सोचा, मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूं, मैं कोई काम का ही नहीं हूं, वर्थलेस हूं, होपलेस हूं, दिस काइंड ऑफ टॉक करेगा। स्लीपिंग बहुत ज्यादा कर देगा, जैसे मैंने पहले बताया, या कम कर देगा। ये कुछ बता रहा हूं जो मेन मेन है, जो यूजली आप कहीं भी गेज कर सकते हैं। एपेटाइट बढ़ जाएगी, वेट लॉस कर देगा या वेट गेन कर देगा, दोनों ही चीजें। एनर्जी फीलिंग, लाइफ में एनर्जी होती है, जैसे हमें बुखार हो गया तो हमारे माइंड हमें फोर्सफुली बेड पे ले जाएगा, क्योंकि हमें काम नहीं करने का, वो सारा दिन ही एनर्जी फील लो फील करेगा। सुसाइडल थॉट आ जाएंगे, विच इज ऑल्सो नॉट ए गुड साइन। डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, रिमेम्बरिंग, डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाएगी। फिजिकल सिम्टम, डू नॉट रिस्पोंड द ट्रीटमेंट, सच लाइक हेडेक, क्रॉनिक पेन हो गया, रोज ही हो रहा है, दवाइयों पे आ गया है बट फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट। ये मेरे ख्याल 10 के करीब मैंने जो आपको पॉइंट बताए हैं, दीज आर द बेसिक थिंग आप किसी आदमी में अगर देख रहे हैं, स्पेसिफिकली लेडीज में, क्योंकि उनमें डबल हो जाता है ये, तो आपको इमीजिएटली उसके सुधार के लिए कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज इसके रिजल्ट्स काफी बुरे हो सकते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो इसको हम आज की डेट में कैसे कैसे नोट कर सकते हैं, डिप्रेशन का टेस्ट होता है। पहली बार आप जाइए किसी साइकोलॉजिस्ट को बोलिए मेरे को डिप्रेशन का टेस्ट कराना है, वो टेस्ट कर देगा आपका। टेस्ट में ये पता लग जाएगा आप डिप्रेशन में हैं या नहीं, या खाली मूड स्विंग है आप। और अगर डिप्रेशन में है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, एक गलत फहमी है हम सब में कि हम लोग मेडिसिन खाएंगे और ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी जो आपको इंस्टेंट ठीक करते डिप्रेशन। जैसे कोरोना की ढूंढ रहे हैं ना, तो इसकी भी ढूंढ रहे हैं, अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है इसकी। किसी भी डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं, वो मेडिसिन देगा वो एक लंबे टाइम तक, 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, 3 साल, तो उसमें कुछ रिकवरी हो सकती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि जिसमें थेरेपीज होती है, हिप्नोसिस इज वन थेरेपी, एनएलपी इज वन थेरेपी, ग्राफोलॉजी, बहुत सारी थेरेपीज हैं जिनसे आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। उन थेरेपीज को आपको लेना चाहिए और वो परमानेंट है, दोबारा से आप उस लेवल पर नहीं जाएंगे। और उसको अंदर बड़ा कंफर्ट फील करेंगे, लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, जो जो मैंने थॉट्स कहे हैं फियर फोबिया से बाहर आ जाएंगे। और डिप्रेशन क्या है वो अब आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा, ये कैटलिस्ट का काम करता है। इट इज नॉट लाइक कि वो डिजीज खुद में है, ठीक है, जैसे HIV है, उसके अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो इसमें आपकी चीजें बढ़ जाती है, जो आपकी थॉट है, नेगेटिव थॉट्स है, उनको इतना बढ़ा देगा कि आप रोक ही नहीं पाएंगे। तो पूरा वीडियो के अंदर हमने कई सारी चीजें कवर की हैं। एक, लेडीज को डिप्रेशन क्यों ज्यादा होता है, उनको टेक केयर क्यों ज्यादा चाहिए, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और स्पेसिफिकली आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि हमें कभी डिप्रेसिव आदमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम लोग बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ये मोमेंट किसी पे भी आ सकता है। डिप्रेशन सबके अंदर है, हम कंट्रोल कर लेते हैं इसलिए हम डिप्रेसिव नहीं है, जो कंट्रोल नहीं कर पाता वो डिप्रेसिव हो जाता है। 20 में से 1 का रेशो WHO का था और 10 में से 1 का रेशो लेडीज के लिए। प्लीज टेक इट सीरियसली सो दैट यू शुड ग्रो योर लाइफ। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन लोगों के साथ जरूर करें जो इन चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बहुत ही एक सामाजिक काम भी करेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो से आपको कनेक्शन पे हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन आती रहे और आप हमसे कनेक्ट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।